हेलो गाइस, आई एम वैशाली कीकान फ्रॉम डोपामीन एंड वी आर डिस्कसिंग सिग्नल एंड सिस्टम। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेस्ड अपॉन कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जहां पर हमने कन्वोल्यूशन इंटीग्रल डिटेल में डिस्कस करा था, इसका फॉर्मूला डिस्कस करा था, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल फाइंड आउट करने के स्टेप्स और कुछ न्यूमेरिकल बेसिक्स से डिस्कस करे थे। अगर वो नहीं देखी है तो अभी जाइए देखाइए, बिकॉज बेसिक्स आपको आने चाहिए। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से आपका एनालिसिस अच्छा हो जाएगा, आपको समझ आएगा कि कन्वोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है फॉर एनी गिवन सिग्नल्स। सो हमें पता है जो YT होता है वो कैसे आउटपुट कैसे निकलता है, इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स के कन्वोल्यूशन से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें इनपुट गिवन है UT-UT-2, इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है UT-UT-1 और हमें आउटपुट YT निकालना है। सो बेसिकली YT क्या है, XT कन्वोल्यूशन विथ HT। फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ टाउ HT माइनस टाउ डी टाउ। तो पहले हमें x ऑफ टाउ निकालना पड़ेगा, ये सिग्नल क्या है UT-UT-2। तो हमें पता है UT सिग्नल कैसा होता है, UT की वैल्यू 1 होती है फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम और नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम के लिए 0 होती है। तो ये है हमारा UT। U ऑफ T माइनस 2 निकालना है। अब UT माइनस 2 क्या है, UT का टाइम शिफ्टेड वर्जन। ये आपको याद होगा हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, UT माइनस 2 क्या होएगा, 2 वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये जो 0 वैल्यू है ये 2 वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे ही सारी वैल्यूज आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगी। सो इसकी एम्पलीट्यूड तो 1 ही रहेगा बट अब ये 2 से इंफिनिटी तक हो जाएगा। UT क्या था, 0 से इंफिनिटी। तो ये है UT माइनस 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन आपको आता है अच्छे से। सो नाउ नेगेटिव वैल्यू ऑफ T के लिए आप देखें 0 है, ये भी सिग्नल 0 है, सो 0 ही रहेगा। अगर हम पॉजिटिव T पे आ जाए, सो 0 से 2 तक अगर हम देखें, UT है 1, UT माइनस 2 है 0, सो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1 0 से 2 तक, राइट। उसके बाद देखें तो यहां पर भी वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी वैल्यू 1 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। सो अगर मैं टाउ पे ले लू, ये था अगर टी पे ले तो एक्स टी, टाउ एक्सिस पे ले ले तो एक्स ऑफ टाउ। हमें एक्स ऑफ टाउ निकालना है, देन एच ऑफ टी माइनस टाउ निकालना है। सो एच ऑफ टी माइनस टाउ निकालने के लिए सबसे पहले एच ऑफ टाउ निकालते हैं, एच ऑफ टाउ के लिए एच ऑफ टी निकालते हैं। सो UT-UT-1, सो अगेन हम UT बनाएंगे, 0 से इंफिनिटी टाइम तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी UT। U ऑफ T माइनस 1 अब ये 1 पे शिफ्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू भी 1 रहेगी 1 से लेके इंफिनिटी टाइम तक। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये है U ऑफ T माइनस 1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास H ऑफ T आएगा, राइट। सो अब हमारी वैल्यू आएगी यहां पर 0 ही आएगी, इसके बाद वैल्यू 1 आएगी 0 से 1 तक, और उसके बाद फिर 0 हो जाएगी। 1 में से 1 माइनस करा 0, 1 में से 0 माइनस करा 1, 0 में से 0 माइनस करा 0। सो ये है एच ऑफ टी। अगर टी पैरामीटर को मैं टाओ कर दूं, यहां पर टी एक्सिस को टाओ कर दूं, तो यहां पर हमारे पास एच ऑफ टाओ आ जाएगा। एच ऑफ माइनस टाओ कैसे होएगा, ये है हमारी टाओ एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज ले लेंगे। सो 0 से अब माइनस 1 तक वैल्यू 1 आ जाएगी, ये है हमारा एच ऑफ माइनस टाउ, राइट। सो अब क्या करना है हमें, उसके बाद शिफ्ट करना होता है, शिफ्ट करना होता है टाइम एक्सिस पे। सो बेसिकली लेट सपोज ये हमारी टाइम एक्सिस है, लेट्स ड्रॉ इट प्रॉपरली, राइट। मतलब टाउ एक्सिस है, सो अब हमें टी से शिफ्ट करना है। 0 वैल्यू कहां शिफ्ट होएगी, टी पर। माइनस 1 वैल्यू कहां शिफ्ट होएगी, टी माइनस 1 पर। सो ये हो गया हमारा एच ऑफ टी माइनस टाउ। अब उसके बाद क्या करना होता था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट। एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ निकालना है। सो इस केस में देखें तो यहां पर एच ऑफ टी माइनस टाओ नेगेटिव टाओ के लिए है, एक्स ऑफ टाओ यहां पर 0 टू 2 के लिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाओ के लिए है। सो इस केस में तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में हमारा टाओ है, एक ही ग्राफ में बनाते हैं, ये है हमारा 0 टू 2, ये है हमारा एक्स ऑफ टाओ,
राइट। नाउ एच ऑफ टाउ अगर नेगेटिव में रहा था तो आउटपुट जीरो आ रहा था, बट अब इसे शिफ्ट करते हैं, एच ऑफ टाउ लेट सपोज ऐसे हो गए, अब ये शिफ्ट होने लगा है, राइट। अब ये और शिफ्ट भी हो सकता है, और शिफ्ट हो सकता है, राइट, ऐसे हो जाएगा और शिफ्ट करा तो, राइट। सो ये थी वैल्यू टी, ये थी टी माइनस वन। अब अगर इस केस में देखें तो इस एरिया में देखें, ये है एच ऑफ टी माइनस टाओ, एच ऑफ टी माइनस टाओ तो पॉजिटिव है बट एक्स ऑफ टाओ जीरो है। इस एरिया के बाहर देखें, राइट साइड देखें, तो एक्स ऑफ टाओ पॉजिटिव है बट एच ऑफ टी माइनस टाओ जीरो है। सो सिर्फ ये जो शेडेड एरिया आ रहा है इस एरिया में ही दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, यहां पर ही आउटपुट आएगा। और आउटपुट क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स क्या है, जीरो से टी, x ऑफ टाउ की वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड क्या था, वन, h ऑफ t माइनस टाउ का भी एम्पलीट्यूड वन था ओवर d टाउ। सो x ऑफ टाउ की वैल्यू डाली, h ऑफ t माइनस टाउ की वैल्यू डाली, d टाउ के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। सो d टाउ का इंटीग्रेशन क्या होता है, टाउ, बिकॉज वन इंटू वन इंटू d टाउ ही रहेगा, d टाउ का इंटीग्रेशन टाउ, लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू t, सो t माइनस जीरो विच इज t। सो इस केस में आउटपुट आ गया t। सेकेंड केस लेते हैं, सेकेंड केस में ये हमारा टाउ है, ये हमारा जीरो से टू है हमारा एक्स ऑफ टाउ, राइट। अब नाउ हमने एच ऑफ टी माइनस टाउ को और शिफ्ट कर दिया, अब ये पूरा ही एक्स ऑफ टाउ के बीच में आ गया। सो टाइम लिमिट इज फ्रॉम टी माइनस वन टू टी, सो इस जितना ओवरलैप्ड एरिया है एच ऑफ टी माइनस टाउ का, सिर्फ उस एरिया में ही आउटपुट आएगा, इसके अलावा हर जगह एच ऑफ टी माइनस टाउ जीरो है। सो एक्स ऑफ टाउ से मल्टीप्लाई होगा तो भी जीरो आएगा। सो लिमिट्स क्या बची, अब टी माइनस वन से टी तक एक्स ऑफ टाउ और एच ऑफ टी माइनस टाउ दोनों की वैल्यू वन है ओवर डी टाउ। सो टाउ इंटीग्रेशन करके आया, डी टाउ का इंटीग्रेशन टाउ, लिमिट्स फ्रॉम टी माइनस वन टू टी, सो टी माइनस टी प्लस वन विच इज वन, राइट। सो ये केस में आउटपुट आ गया वन। थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस में x ऑफ टाओ सेम ही है, जीरो से टू ये है टाओ, राइट, ये है हमारा x ऑफ टाओ, एच ऑफ टाओ अब और शिफ्ट हो गया, अब ये इसको क्रॉस करने लगा, राइट। सो यहां पर शेडेड एरिया क्या आएगा, सिर्फ अपर लिमिट डिसाइड हो जाएगी x ऑफ टाओ से। सो t माइनस वन से लेकर टू तक ही ओवरलैप्ड एरिया रहेगा, इंटीग्रेशन लिमिट क्या लिखेंगे, t माइनस वन से टू, वन इंटू वन इंटू डी टाओ, सो इट इज टाओ फ्रॉम टी माइनस वन टू टू, इंटीग्रेशन डी टाओ का टाओ, टी माइनस वन से टू, टू माइनस टी प्लस वन विच इज थ्री माइनस टी। आप देखिए इधर ये टी है, इधर सेकेंड केस में वैल्यू वन आई है, इधर माइनस टी। सो टी क्या होता है, रैम फंक्शन, आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा, रैम फंक्शन देन कॉन्स्टेंट वैल्यू नेगेटिव रैम। सो इस तरह से आपका टाइम एक्सिस पर, क्योंकि आउटपुट अब फाइनल टाइम एक्सिस पर आया है, ये आपका वाई ऑफ टी कुछ इस तरह से दिखेगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा पूरा क्वेश्चन। कहीं पे भी कुछ भी डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम कन्वोल्यूशन समेशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने डिस्क्रीट इनपुट और डिस्क्रीट इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए हमने आउटपुट जनरेट करना नहीं सीखा है। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको डिफरेंस समझ आएगा कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन, कन्वोल्यूशन समेशन का डिफरेंस क्या होता है, एंड आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छे से आएगी। सो मीट मी सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।